वेल गाइज, तो फाइनली WWE के मनी इन द बैंक पेपर व्यू ओवर हो चुका है। और गाइज, ब्लड लाइन के सिविल वॉर के अंदर जिस तरीके से आज ब्लड लाइन का मैच ओवर हुआ, उसको देखकर काफी सारे लोग बिलीव नहीं कर पा रहे गए, क्योंकि गाइज आज WWE के मनी इन द बैंक पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर रोमन रेंग सोलो सकुआ पहली बार उसोज को फेस करते गए। और गाइज इन दोनों के इस मैच के अंदर लंदन में क्राउड उसो को हैवी सपोर्ट करते गए, जहां पर आज इस मैच के अंदर जिमी उसो और जे उसो हमें इस मैच को काफी हद तक डोमिनेट करते हुए दिखाई देते गए। बट गाइज यहां पर जैसे ही रिंग्स टैग करके मैच के अंदर आते गए, तो गाइज रोमन रिंग्स इस मैच को कंप्लीटली डोमिनेट कर देते गए। बट गाइज और बात करें यहां पर मैच के एंडिंग मोमेंट की, तो गाइज मैच के एंडिंग पर जो होता है वो देखकर क्राउड कंप्लीटली शॉक हो जाती गए, क्योंकि गाइज मैच के एंडिंग के ऊपर जे उसो और जिमी उसो दोनों रिंग के अंदर आ जाते गए। और गाइज दोनों रोमन रिंग्स के ऊपर बैक टू बैक काफी सारे सुपर किक हिट करते गए। और गाइज बैक एंड फोर्थ काफी सारे सुपर किक के साथ जे उसो फाइनली उनका फ्रॉग स्प्लैश हिट करते गए। और गाइज मजेदार बात तो यह है कि जे उसो के फ्रॉग स्प्लैश के साथ जे उसो अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियन रोमन रेंस को रिंग के अंदर 3 काउंट के साथ पिन कर देते गए। और गाइज यहां पर मनी इन द बैंक पेपर व्यू के ऊपर जे उसो ने रोमन रेंस को बिल्कुल ही क्लियरली बीट कर दिया है। और गाइज ये रोमन रेंस के लिए एक बहुत ही बड़ी हार है।